और तृतीय और चतुर्थ स्थान के लिए एक एक और ट्रॉफी और एक राउंड घुमा दे प्लीज इस ट्रॉफियों को मैदान के किनारे किनारे एक बार राउंड लगा दे। और जो भी दर्शक अगर इच्छुक है इस ट्रॉफी के साथ एक सेल्फी या एक फोटो लेने का तो उनको फोटो लेने से मना न करें, एक फोटो जरूर ले सकते हैं। देखना पड़ेगा यहाँ पर दोनों टीमें बिल्कुल खेलेंगे जरूर दोनों टीमें। हेलो, जो भी दर्शक अगर इच्छुक है इस ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो आप रोक कर फोटो खिंचवा सकते हैं ट्रॉफी के साथ। बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे श्री श्री मंदिर कमेटी, श्री श्री स्वप्नेश्वर मंदिर कमेटी को, जो कि सबों को खुश रखने की कोशिश जरूर करती है। इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। खेल का किकऑफ आ चुका है, शुरू हो चुका है। देखना पड़ेगा दोनों टीमें यहां से खेल का शुरुआत होते ही आक्रमण का मोमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जरूर, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का मैच है और 15-30 मिनट का खेल खेला जाएगा। इस समय सीमा के अंदर कौन सी टीम ज्यादा से ज्यादा गोल दागकर जीत दर्ज करने की कोशिश करती है यह भी जानने वाली बात है। करना पड़ेगा कॉर्नर पॉइंट पर गेंद आक्रमण का मोमेंट बनाने के लिए और सिटी आई है यहां पर रंजीत साया जी मुख्य रेफरी का इशारा दिए हैं क्या कुछ करेंगे। एक खिलाड़ी को यहां पर थोड़ी सी चोट आई है एसटीआर राइडर्स के और उन्हीं को फ्री किक का मौका मिलता हुआ। करना पड़ेगा दोनों टीमें यहां पर जद्दोजहद करते हुए। बेहतरीन फुटबॉल खेलते हुए आज का अंतिम मुकाबला खेलते हुए दोनों टीमें और निश्चित रूप से यहाँ पे जिस प्रकार से दोनों टीमें रिलीज करना चाहिए लेकिन गलत पास ही वापस ही गेंद गांधी के पास गेंद उन्होंने नियंत्रण किया। और गांधी की अगर बात की जाए तो ये काफी उम्दा खिलाड़ी जो जमशेदपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, दोनों टीम जमशेदपुर क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर और आपसी बिहार देख रहे हैं मौका बनाया क्या टीम के लिए और इसी के साथ यहाँ पर मौका को गवा दिया है टीम बाबू को भली भांति पता बचे एक गोलकीपर अगर गोल पोस्ट अगर वेट कर जाते वहीं पर रुक जाएंगे तो आसानी से ऑपरेटिव गाड़ी गोल डाल सकते हैं। और इसी में देखते हो बाबू आगे निकला और उनके जो स्पेस है गोल पोस्ट उस स्पेस को यहाँ पर छोटा करते हुए गेंद को मजबूर किया भारतीय करने के लिए यहाँ पर मिटिंगा। बिल्कुल गोलकीपर को बखूबी जानते हैं क्योंकि आप अगर आगे आओगे तो गोल के स्पेस गोल पोस्ट के स्पेस अवश्य कम होगा और इसी को अमल में लाते हुए अभी सुरक्षित है इस समय तेजस्वी अभिषेक के खिलाड़ी क्योंकि ये गोलकीपर की एक बढ़िया बारंबार है बढ़िया डिसीजन था। इस समय फिर से आक्रमण के लिए एसटी राइडर की टीम पास खेले हैं समानांतर लेफ्ट मिडफील्डर के लिए मंगल पाड़िया की लंबी प्लेसमेंट कारगिल मौके ढूंढने की कोशिश किए थे लेकिन गेंद धीरे धीरे से चला जाएगा गोल लग गया। अगले मैच के साथ हम स्वागत चाहेंगे जो कि जितने से हमारे सीनियर उत्पर्शक और आवाजों के साथ का कैसे काम नहीं होगा वो वाले भाई जिन्होंने अपनी आवाजों से पूरे झारखंड ओडिशा में छाप छोड़ चुके हैं मिस्टर सुरेश संदेशा को हम स्वागत चाहेंगे वर्तमान ये मैच की लाइव सिक्योरिटी में। स्वागत है सुरेश साहब समापन के कागार पर ये मैच ये आखिरी मैच और जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जो मैच कल खेला जाएगा शाम ढलती हुई परछाइयां मैदान के बीचों बीच लंबी होती हुई सूर्य अस्त होने की तैयारी में और फिर से वही बात कि सूर्य अस्त हो जाएगा लेकिन किस टीम का पवित्र पाक भूमि में इस माटी में फुटबॉल लगातार 14 वर्ष
हमारी यही कामना कि ये 25वें साल तक जाए और इसी मैदान पे रजत जयंती वाला टूर्नामेंट भी जो है यहाँ के दर्शक देख सके। धन्यवाद सुरेश जी, लेकिन एक सूचना यहाँ पर देना चाहेंगे। हेलो, डांस कंपटीशन पर जो भी हिस्सेदारी लिए हुए डांसरों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज बिल्कुल तैयार रहेंगे, जैसे ही यह मैच खत्म होगा उसके 5 मिनट पश्चात डांस कार्यक्रम को भी, डांस कंपटीशन को भी शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे नागार्जुन डांस ग्रुप और सोनियर चाकर झारखंड से आए हुए डांसर और रॉकी उराव, आप सबों से निवेदन है, अनुरोध है कि हमारे मुख्य मंच के पास उपस्थित हो जाएंगे जैसे ही यह टूर्नामेंट का मैच समाप्त होता है, क्योंकि यह आज का अंतिम मैच है। इसलिए सभी डांस में पार्टिसिपेट किए हुए डांसरों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज हमारे मुख्य मंच के सामने चले आएंगे अपनी डांस वाली पोशाक पहनकर, और जैसे ही यह खेल समाप्त होगा आप लोगों की कंपटीशन डांस को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप सबों से निवेदन है कि हमारे डांस मुख्य मंच के सामने आने की कृपा करेंगे, और कहना चाहेंगे नागार्जुन डांस ग्रुप, सोनिया चतर डांसर जो कि झारखंड से हैं, और रॉकी उराव, आप सभी डांस में पार्टिसिपेट किए हुए डांसरों से निवेदन है कि आप लोग फुल तैयारी के साथ हमारे मुख्य मंच के पास उपस्थित रहेंगे, फुल तैयारी के साथ हमारे मुख्य मंच में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। और कुछ जरूरी ऐलान कल जबकि हमारे इन गणमान्य अतिथियों का, मेहमानों का आगमन यहाँ पे होगा, उनमें पहला नाम है श्री आशीष चक्रवर्ती जी। श्री आशीष चक्रवर्ती जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजू जनता दल ओडिशा, जनरल सेक्रेटरी बीजू जनता दल ओडिशा। उनके बाद श्री कुशो आपट जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बीजू जनता दल केवड़, श्री कुशो आपट जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बीजू जनता दल केवड़। उसके बाद श्री भूषण पाठ पिंगुआ, एक्स प्रेसिडेंट आदिवासी हो समाज युवा महा सभा सेंट्रल कमेटी। भूषण पाठ पिंगुआ जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, एक्स प्रेसिडेंट आदिवासी हो समाज युवा महासभा सेंट्रल कमेटी से। उसके बाद श्री मंगल सिंह गिलवा, उनके बाद श्री मंगल सिंह गिलवा जो कि मुखिया है हमारे किरुमुरु के, और उसके बाद श्री प्रदीप ठक्कर जी, उनका भी आगमन कल यहाँ हमारे मंच पे होगा। तो जैसे कि हमने बताया लेकिन समय जरूर, लेकिन दिशाहीन हुई गेंद और चली गई मैदान से बाहर। Thank you.
हेलो हेलो मध्य अंदर के बाद का खेल चलता हुआ, दोनों टीमें अभी तक शून्य शून्य के मुकाबले पर खेल रहे हैं, जो कि सफेद जर्सी पर खेल रही इस समय तेजनी फुटबॉल क्लब की टीम और एचटीआर राइडर्स की टीम ब्लैक जर्सी पर खेलते हुए खिलाड़ियों को खिलाया और लंबी चाल के साथ रिलीज की गेंद को अच्छी टेक्निक पास देना चाहते हैं, लेकिन प्ले आउट का इशारा है यहाँ पर रंजीत सावंत जी की, जो की मुख्य रेफरी के रूप में इस मैच का संचालन करते हुए और बाछो के खिलाड़ी कांदी के लिए गेंद को निकाला। आंधी की क्या सूझबूझ होगी देखना पड़ेगा, जो कि सात पद की जर्सी पर खेलते हुए खिलाड़ी को चकमा देने के बाद आक्रमण की मोमेंट के लिए आगे बढ़ने का प्रयास बैक पास किया, लेकिन नवर से छुटी गेंद फिर से नियंत्रण करने की कोशिश में छीनने का प्रयास करता हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर से पांडव को मिलता हुआ अपने नेता में जो अगर यहाँ पर कोर्ट आते हुए आक्रमण का मोमेंट पर आते हुए, लेकिन डिफेंडर इस गेंद को रोकने में सफल, यहाँ पर चकमा देने का प्रयास, लेकिन फिर से डिफेंडर ने अपने कब्जे में ली गेंद को और अपने नियंत्रण में रखने के बाद छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया तालमेल के साथ खेलते हुए अपील हुई है यहाँ पर, लेकिन अपील को अस्वीकारते हुए रंजीत सावंत जी, जो कि मुख्य रेफरी के रूप इस मैच को संचालन करते हुए, बढ़िया तालमेल नहीं बना पाए और पास खेला यहाँ पर फिर से राइडर्स को मिलता हुआ गेंद लंबी उछाल के साथ हवा में जरूर, लेकिन डिफेंडर हेड ऑन क्लियर करना चाहा और इसी क्रम में गेंद ऑन द लाइन है, अभी भी प्ले ऑन का इशारा है, 10 नंबर के पास गेंद अच्छी तरह डालता हुआ बाल नंबर को ढूंढा आउट है और मौका बनता हुआ छोटे पास के इस्तेमाल की है 4 नंबर के लिए, 4 नंबर अपने नेता बना कर गेंद के पास किया, मौका बनता हुआ यहाँ पर बढ़िया तालमेल बनाने की कोशिश को प्रहार करने की कोशिश, लेकिन ब्लॉकिंग के बाद डिफेंडर ने गेंद को उछाला, देखना पड़ेगा फिर से मैचों से 3 नंबर बाएं पांव से फिर से रोकने में प्रयास कामयाब, हवा में जरूर हेडर करना चाहा लेकिन 9 नंबर गेंद के नीचे और छाल के साथ क्लियर करने में सफल, 11 नंबर को देना चाहा लेकिन उनसे भी छीनी गई गेंद बैक पास करते हुए, 4 नंबर को लिए गेंद 4 नंबर नियंत्रण करने के बाद यहाँ पर 9 नंबर के लिए 9 नंबर नियंत्रण की गेंद को आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है खिलाड़ी को चकमा दिए, एक तरानी के साथ आक्रमण का मोमेंट बनता हुआ देखना पड़ेगा, 2 नंबर के साथ गोलकीपर साहब के हाथों से छिटकी और डिफेंडर मिस हमारे मुख्य मंच के पास आ जाएंगे और मैच समाप्ति के बाद आप सभी कंपटीशन डांस पे पार्टिसिपेट किए हुए हैं, आप सभी को बारी बारी से डांस करने का अवसर हमारे मुख्य मंच पे दी जाएगी और दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि जैसे ही यह मैच समाप्त होगा तो आप लोग प्लीज हमारे मुख्य मंच के सामने डांस देखने के लिए जरूर आएंगे और अगर पेनल्टी पे समाप्त होता है मैच तो पेनल्टी के बाद डांस कंपटीशन की जाएगी और निश्चित रूप से यहाँ पे बड़े भाई ने जिक्र जो हमारे मुख्य मंच के
देख सकते हैं पीछे में जो भी दर्शक है हल्ला कर रहे हैं, कृपया करके आप वहां से चले जाएंगे, आप कृपया करके वहां से साइड चल जाएंगे। सरोवर फाड़ी चलते तो सीनियर दिन है मुझे रूल चला हुआ करना कि जो सनी बनाई पूरी जर्सी में फैमिली जर्सी में टीम एसटीआर आई रहा गोल ऊपर लाता बनवा गोल अगुई दिया वैसे पूरे संघर्ष का इतने पैंच के टिके पैंतर चेष्टा पाइंत रहे मैं तो पानी पेस पर निमित्त आएंगे मिट्टी पसंद प्यार हल्का आर पसंद बाद दस नंबर गिर दस नंबर आर पसंद बाद कुशन पैंतर पानी का थोड़ी निमित्त आएंगे जैसे प्रचार बोले स्वेट किंग क्लियर पर ठीक है तेजस्वी एफसी बेतास हुए करे किंग जुड़ी सब लगे पानी ताल बनी भी देंगे लखन ताल बोल सुनो लखन ऐसे बनी कंट्रोल आराम से भी देंगे कि जुड़ी सब किंग है लिखे बाद चारण ताल शूटिंग ताई की ना पानी ब्लॉक नहीं चला खन गुया ऐसे बनी कंट्रोल भी देगा ना बता आप उसी तो बोल ताई की ना मौका भी ना बता गाड़ी वाजब आप के लिए साची बिन तारीफ है इवन के कॉम्बो बना इवन लाता हुआ बचाव पाई गिरे अंडे भी देंगे शुरू शुरू तो बोल इसको नहीं ला पाए और इसी के साथ जस्ट नंबर चार चंद्र मुर्मू के पुलिस के सात नंबर के लिए और सात नंबर सत्य के प्रति अपने सपोर्ट को करने की कोशिश में गेंद अभी भी चार के पास शूटिंग करने का टाइम दिया गया लेकिन कमाल की बोल यहां पर किशन के द्वारा और अभी भी चंद्र के पास ही गेंद है गेंद को फोल्ड करने के बाद सत्य प्लेयर को यहां पे देखते हुए आसानी से खेल के यहाँ पर ड्रिबल किया मौका बनाते हुए लेकिन प्ले ऑन का इशारा यहाँ पर क्योंकि सदर रेफरी ने यहाँ पर इंडिकेट देते हुए प्ले ऑन और इसी के साथ मेस का अंतिम सीट यहाँ पर